नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पौड़ी की इस बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से मिशन 2022 का आगाज करते हुए आज श्रीनगर में जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। इसी के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं इसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने 4.5 सालों में राज्य सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर वासियों को बस अड्डे के पास पार्किंग, 100 LPM के 2 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा भी की है। तो ये पौड़ी में कार्यक्रम जहां पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। उन्होंने बस अड्डे समेत 2 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है पौड़ी वासियों को। कि नगर पालिका क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जाए, उसको जो है नगर पालिका को अब नगर निगम के रूप में जो है आगे उसका सीमा विस्तार किया जाएगा, और साथ ही जो है यहाँ पर पानी की समस्या, पानी की समस्याओं के लिए भी निदान किया जाएगा। अन्य जो कुछ सड़कों के क्षेत्र में हैं, अन्य क्षेत्रों में हैं, जो भी हमने घोषणाएं की हैं, जल्दी से जल्दी वो धरातल पर आएंगी, उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। पहली बार देखिए पहाड़ के अंदर इतना बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में रेल बनाने का हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं है, जो काम हो रहे हैं वो कहते हैं कि हम उनको भी रोक दें। 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज 70 विधानसभा खटीमा से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी। खटीमा से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ कांग्रेस पार्टी के चारों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी अभियान का बिगुल भी बजा दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गजों ने एक मंच पर आकर कांग्रेस में गुटबाजी को दबाने का भी प्रयास किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वो आज शहीदों की पावन भूमि खटीमा से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही परिवर्तन यात्रा बीजेपी सरकार को भी प्रदेश में परिवर्तित करने का काम करेगी। तो खटीमा से ये तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस ने भी 2022 चुनाव के मद्देनजर अब चुनावी बिगुल फूंक दिया है और शुरुआत की है खटीमा से परिवर्तन यात्रा, इसको नाम दिया गया है। और साथ ही कहा गया है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता को परिवर्तित किया जाएगा। तो खटीमा में जो आंदोलन है उसमें जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया गया और खटीमा से इसकी शुरुआत की गई, परिवर्तन यात्रा इसको नाम दिया गया है। और साथ ही कहा गया कि प्रदेश में सत्ता भी इसी के जरिए परिवर्तित की जाएगी। तो बता दें कि शहीदों की पावन भूमि खटीमा है, ऐसा वहां पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। आंदोलन के अमर शहीदों को हम प्रणाम करने के लिए पूरा उत्तराखंड कांग्रेस परिवार, जिसमें हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी भी हैं, सह प्रभारी गण हैं, अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, दीप चमचा जी हैं, सब लोग हमारे कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, सब लोग आए हैं। पिछले 4.5 साल में भाजपा ने खंडित करने का काम किया है, उसको फिर से संवारेंगे और फिर से उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर उठाएंगे। जन कल्याण, गरीब का कल्याण, किसानों का भला, नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और सभी वर्गों के हित के लिए हम काम करने वाली सरकार देने का संकल्प। उधम सिंह नगर की इस बहुत ही उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान खटीमा में आज शहीदों को नमन करने पहुंचा हूं हमारे तमाम नेतागणों के साथ। और इस शहीद स्थल से हम शहीदों को नमन करते हुए हमने ये संकल्प लिया है कि हम शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने के लिए यहाँ से उन शहीदों से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा में हम ये संदेश देंगे कि हमारा आगे आने वाला 5 साल का कांग्रेस का शासन का कार्यकाल
यहाँ पर बेरोजगारी को समाप्त करने का कार्यकाल। वहीं उत्तराखंड में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, जिसके तहत आज से सियासी रैलियों का आगाज शुरू हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के तहत आज श्रीनगर में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में परिवर्तन यात्रा के तहत शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत करेगी। इस बीच दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। तो आपको बता दें कि 2022 चुनाव के मद्देनजर दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जहां चुनाव का बिगुल फूंक चुकी हैं, वहीं आपको बता दें कि जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां जीतोड़ मेहनत के साथ मैदान में आ चुकी हैं, और इसी बीच जहां एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस भी अपनी यात्राओं की, सियासी रैलियों की शुरुआत कर चुकी है, और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं किए जो उनको जनता के लिए करने चाहिए थे। आप लोग भी देखेंगे कि परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में उधम सिंह नगर और हल्द्वानी की तराई वाले क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता आम लोगों की मदद से, आम मतदाताओं की मदद से वहाँ पर जो तैयारियाँ कर रहे हैं उसका आगाज मुझे आभास हो गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिवर्तन यात्रा के में जो प्रतिसाद हमें मिलने जा रहा है वो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। रैली, जन आशीर्वाद रैली श्रीनगर में होने जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पौड़ी जिले और टिहरी जिले और रुद्रप्रयाग जिले के विधायकगण में रहेंगे, और लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित होंगे, जनता वहाँ पर उपस्थित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ये जीवीके हेलीपैड पर उतरेंगे और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक बाइक रैली के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए हम उनको रामला ग्राउंड तक ले जाएंगे और वहां पर उस रैली का आयोजन होगा। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव आने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं आज बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमला होने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा कि मुझे सूत्रों से सूचना मिली है कि कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस के नेताओं पर फेंकने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए कलंकपूर्ण अध्याय होगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा में तेजाब का हमला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि स्याही में भर के तेजाब के जरिए कांग्रेस के नेताओं पर हमला किया जा सकता है। तो यह बड़ा आरोप कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगाया है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग उनकी रैलियों पर तेजाब से हमला कर सकते हैं, स्याही में भरकर लाएंगे तेजाब और उनकी रैलियों पर हमला किया जा सकता है। ये उन्होंने ट्वीट कर कहा है। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हरीश रावत जी ने जो फेसबुक में पोस्ट डाली है वो उसका सियासी सबू से कोई लेना देना नहीं है। वो न सियासी सबू का है, न लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डाला है, और ये पुख्ता बात है। कांग्रेस पार्टी में इसके सबूत हैं और इसके पुख्ता सबूत हैं, और हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर से ये हमारा आरोप है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में कुछ भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ भी घटना घटित कर सकते हैं। हरीश रावत जी सनसनी फैलाने का काम करते हैं, कांग्रेसों से लगता है उनको खतरा है और वो कांग्रेसियों से ही बचने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। उनकी रैलियों में कौन जाने वाला है? कांग्रेसी तो जाने वाले हैं, कोई विपक्ष का तो जाने वाला नहीं है।
इसलिए वो कांग्रेसियों से भयभीत हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का द्वंद चल रहा है, जिस तरीके से उनके बीच बयानबाजी चल रही है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। एक धड़ा हरीश रावत जी को मानने को तैयार नहीं है, तो एक धड़ा प्रीतम सिंह जी को मानने को तैयार है। इसलिए उस द्वंद से निकला ही ये विषय है। और हरीश रावत जी तो मीडिया की अटेंशन बनाना चाहते हैं, हमेशा उनका यही रहता है कि मीडिया उनको अटेंशन करे और लोगों में सनसनी फैले। उन्होंने सनसनी फैलाने का काम किया है। वहीं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नानक मत्ता आगमन का पुरजोर विरोध किया है। नानक मत्ता के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सिख समाज के प्रति आपत्तिजनक बयान पर अमृतसर जाकर जब तक वो माफी नहीं मांगते, तब तक आम आदमी पार्टी और सिख समाज उनका विरोध करता रहेगा। तो आपको बता दें, उधम सिंह नगर की यह तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के नानक मत्ता आगमन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक बयान से जो सिख समाज है वो आहत है, और जब तक वो अमृतसर जाकर माफी नहीं मांगते, तब तक आम आदमी पार्टी और सिख समाज उनका विरोध करता रहेगा। तो उधम सिंह नगर की तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नानक मत्ता आगमन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत को माफी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है एक अपने बयान में, उससे सिख समाज आहत है, और जब तक वो माफी नहीं मांग लेते, तब तक सिख समाज और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह उनका विरोध करते रहेंगे। इस तरीके से हरीश रावत जी ने अपनी कार्यकारिणी कांग्रेस नेता भी पांच पैरों से तुलना करी है, और उसका हम पुरजोर से तरीके से विरोध करते हैं। जब तक ये श्री अकाल तख्त साहब जी आके माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम इनका विरोध करेंगे। ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के धर्म के साथ ऐसी चीज़ें करके उसके बाद अपने आप ही उसकी अपने आप ही सजा तय कर ले। ये कौन सा तरीका हुआ? जब सिख समाज पूरे को कोई गलती करता है तो श्री अकाल तख्त साहब जाके माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो इनको क्यों नहीं? ये इनके लिए भी हम यही कहेंगे, वहाँ जाए माफ़ी मांगे, अगर वहाँ से माफ़ हो जाएगा तो हम इनका विरोध बंद करेंगे, नहीं तो जब तक ये यहाँ आएंगे हमेशा हम विरोध करते हैं। ये देखिए, अपने आप ही आपने गुरुओं से तुलना कर दी और अपने आप माफ़ी मांग ली, ये कौन सा तरीका भाई? श्री अकाल तख्त साहब काहे के लिए? वो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ से पूरा इन चीज़ों को सुना जाता। कोई व्यक्ति करता, कोई सिख गलत बयान देता, तो उसको वहाँ से सारा होता है। वहीं देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर अब रानी पोखरी में वैकल्पिक पुल रविवार तक तैयार हो जाएगा। वहीं इस वैकल्पिक पुल का निर्माण अब तेजी से किया जा रहा है। इस पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने इस पुल को लेकर कहा कि ऋषिकेश मार्ग पर वैकल्पिक पुल रविवार तक तैयार कर लिया जाएगा, इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारी बारिश के चलते देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर स्थित रानी पोखरी पुल धराशायी हो गया था, जिसके बाद ऋषिकेश देहरादून मार्ग प्रभावित हो गया था। हालांकि अभी ऋषिकेश जाने के 3 वैकल्पिक मार्ग खुले हैं। इन रूटों से देहरादून से यात्री ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूरी बढ़ गई है। वैकल्पिक पुल के निर्माण हो जाने से इन समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि स्थायी तौर पर पुल निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जल्द से जल्द स्थायी पुल के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि देहरादून में ये पुल धराशायी हो गया था, जिसके बाद वैकल्पिक पुल की मांग बढ़ने लगी थी और उसका काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पहुंचकर इसका निरीक्षण किया और सभी चीज़ों को देखा और परखा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि स्थायी पुल का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा और जल्द ही स्थायी पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है इन रूटों से, आपको बता दें कि देहरादून से यात्री जो ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं उनकी दूरी बढ़ गई है, इसके लिए वैकल्पिक पुल का जल्द निर्माण कराए जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। किस तरह से हम
जल्दी से जल्दी यातायात के लिए हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि रानी पोखरी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी विजिट किया गया, और पूरी की पूरी वहां पुल ये हो गई है, आवागमन बाधित हो गया है। अभी देहरादून से ऋषिकेश का मार्ग भी लंबा हो गया है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि हर हाल में हम 4 से 5 दिनों के अंदर हम उसको एक वैकल्पिक कॉजवे बना के उसको हम यातायात को व्यवस्थित करेंगे। और दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पुल कम से कम समय में नवनिर्मित पुल तैयार हो सके, ताकि अगली बारिश से हर हाल में पहले वहां पर प्रॉपर एक पुल की स्थापना हो जाए, और ताकि लोगों को किसी तरह से यातायात की असुविधा ना हो। वहीं आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड से लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के तहत हरिद्वार के जिलाधिकारी और SSP अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े रुख अपना रहे हैं, और निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए सुमन नगर क्षेत्र में उन्होंने पुलिस और वन विभाग की बहादुराबाद रेंज के वन अधिकारी दिन रात गश्त कर अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सुमन नगर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से वन दरोगा आशुतोष और महाराणा प्रताप, उनके सहयोगी वन पुलिसकर्मियों ने कोतवाली रानीपुर की पुलिस चौकी सुमन नगर के पुलिसकर्मियों की सहभागिता से अवैध खनन माफियाओं में खलबली मचा रखी है। रानीपुर सुमन नगर पुलिस और हरिद्वार वन विभाग की वन रेंज बहादुराबाद के अधिकारियों की सहभागिता से वन विभाग के कर्मचारियों ने पिछले 2 दिनों से अब तक अवैध खनन में लिप्त लगभग 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। तो ये पूरा मामला बहादुराबाद से है, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं, और इन तैयारियों के चलते, इन कार्रवाइयों के चलते अब अवैध खनन करने वाले माफियाओं के बीच हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि बहादुराबाद में वन कर्मियों और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध खनन पर लगाम लगाए जाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अवैध खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच चुका है। बहादुराबाद की तस्वीरें, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है और लगातार पुलिस चौकी न्यू हरिद्वार सुमन नगर कोतवाली रानीपुर हरिद्वार के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नैनीताल में जहां कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु नैनीताल के ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव दौरान मां नंदा देवी के दर्शन नहीं कर पाते थे, वहीं अब 2 साल बाद श्रद्धालु नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव के दौरान माता नंदा सुनंदा का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस पर प्रशासन ने एक नई पहल शुरू कर दी है, जिससे श्रद्धालु बड़ी स्क्रीन पर भी महोत्सव का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। DM धीरज गर्बयाल की तरफ से महोत्सव के आयोजक संस्था श्रीराम सेवक सभा और नंदा देवी मंदिर का प्रबंधन करने वाली अमर उदय ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह तय हुआ है कि महोत्सव कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा, लेकिन सभी धार्मिक कार्यक्रम परंपरा और रीति रिवाज के साथ आयोजित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना के चलते मां नंदा सुनंदा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे श्रद्धालु नैनीताल में। नंदा देवी मंदिर में ये बड़ा कार्यक्रम किया जाता था, हर साल महोत्सव होता था पूरा एक, लेकिन कोविड के दिशा निर्देशों के चलते इसमें श्रद्धालु भाग नहीं ले पाते थे, लेकिन अब इसके लिए अलग तरह से प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर सकेंगे। तो DM नैनीताल ने इस पूरी योजना को शुरू कर दिया है और इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है, तो मां नंदा सुनंदा के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे नैनीताल में। नंदा देवी मंदिर में होने वाले इस महोत्सव के दर्शन नहीं कर पा रहे थे कोरोना के चलते वहाँ श्रद्धालु, तो इस बीच इस बार इस आयोजन में, इस बार इस महोत्सव में मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालुगण। नंदा देवी महोत्सव नैनीताल में 11 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, और आज सम्मानित जिलाधिकारी नैनीताल श्री धीरज गर्बयाल जी ने राम सेवक सभा के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, और बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी श्रद्धालु जो मां नंदा सुनंदा के दर्शन करना चाहेंगे उनको सभी को कोविड नियमानुसार दर्शन कराए जाएंगे, और साथ ही जो सभी धार्मिक अनुष्ठान है वो पूरी रीति रिवाज से संपन्न होंगे, और कार्यक्रम का उद्घाटन 11 तारीख को होगा,
और ये सब बाकी के जो अन्य कार्यक्रम हैं वो सांकेतिक रूप से और पूर्ण धार्मिकता के आधार पर किए जाएंगे। साथ ही छोलिया नृत्य दल को भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जाएंगे जिससे लोग सीधे प्रसारण के माध्यम से और इन बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से माँ नंदा सुनंदा के दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसामान्य से जुड़े कई विभागों को व्हील चेयर बांटा, जिसमें पुलिस, वन पर्यटन, शिक्षा विभाग, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास आदि शामिल हैं। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों के लिए कार्यालयों में सुविधाजनक आवागमन के साथ ही व्हीलचेयर के रखरखाव के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार सेमल्टी, वरिष्ठ कोषाधिकारी बालक राम, आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो सरकारी दफ्तरों में अब व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें जहां पर दिव्यांगों के बीच ये व्हीलचेयर्स बांटी गई हैं और सरकारी दफ्तरों में व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित कर उत्तरकाशी में अब व्हीलचेयर बांटी गई हैं जो कि दिव्यांग लोग अब इन व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऋषिकेश के ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में प्रस्तावित किया गया बहुउद्देशीय शिविर स्थगित हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी आम जन को नहीं मिल सकी, लिहाजा कई फरियादी निराश होकर लौट गए। इस दौरान शिविर स्थल पर मौजूद सहायक कृषि रक्षा अधिकारी इंदु गौदियाल ने यहां पहुंच रहे नागरिकों को शिविर स्थगित होने की सूचना दी। वहीं निराश लौट रहे नागरिकों ने शिविर रद्द करने की वजह पर रोष जताया है। खाड़गांव के ग्राम प्रधान शंकर दयाल धने और खदरी खड़क माफ की प्रधान संगीता थपलियाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनको जनता के पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित कई समस्याओं का निस्तारण करवाना था। ये काम अधिकारियों को करना था, ना कि मुख्य अतिथि को। मुख्य अतिथि की व्यस्तता की वजह से शिविर को रद्द करना न केवल हास्यास्पद है बल्कि जनता के साथ भद्दा मजाक भी है। तो ऋषिकेश में यह शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ग्राम पंचायत प्रतीत नगर की ये तस्वीरें सीधी, कुछ कारणों की वजह से शिविर को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद जिन लोगों को इसकी सूचना नहीं मिल सकी थी वो लोग वहां पहुंच गए और उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन आम जन तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच सकी कि शिविर को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंचे उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन शिविर को किन्हीं कारणों से रद्द करना पड़ा और रद्द करने के बीच ही आपको बता दें कि वहां पर जिन लोगों की इसकी जानकारी नहीं मिल सकी वो लोग वहां पर पहुंच चुके थे, और जब वो लोग वहां पर पहुंचे उनको बताया गया कि शिविर रद्द हो चुका है। तो ऐसे में फरियादी निराश होकर वहां से वापस लौटे हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो ग्राम पंचायत प्रतीत नगर का है जहां पर बहुउद्देशीय शिविर को स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी आम जन तक नहीं पहुंचाई जा सकी, इसी के चलते कई लोग, कई फरियादी वहां पर पहुंच गए जिनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। आपको बता दें कि शिविर स्थल पर सहायक कृषि रक्षा अधिकारी इंदु गौदियाल ने यहां जो पहुंच रहे लोग थे उनको बताया कि शिविर स्थगित हो चुका है, जिसके चलते वहां पर कई लोग वहां से निराश होकर वापस लौटते दिखे। ये शिविर जो है दो बार लगना चाहिए था, ये जनता के साथ एकदम छलावा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई लोगों को जिनके पास सोशल मीडिया की जानकारी नहीं, वैसे तो हमने अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप कर दिया था कि कैंसिल हो गया आज, लेकिन जिन लोगों के पास वो नहीं वो लोग आए बेचारे, बहुत सारे भीड़ लगा, अपने जो जा नहीं पाते हैं अपने जिले में कार्यालय में, वो लोग यहाँ पर आए थे कि एक ही जगह पर जो है सभी विभाग वाले उनको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ लोग जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और जो उद्घाटन पुरुष हैं उनकी वजह से जो है यहाँ पर ये संभव नहीं हो पाया है। होना तो जैसे पिछली बार छिद्रवाला में भी आयोजित किया गया था बहुउद्देश शिविर, और वहाँ पर जो लोग पेंशन वगैरह के लिए गए थे उनका भी पेंशन का वो मामला सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि प्रस्ताव तो हमारे माध्यम से तो आमतौर पर हम कर ही रहे हैं जो जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर, लेकिन अगर यहाँ पर आयोजित किया गया था तो वो बार बार डेट न बदली जाए, इससे जनता में बहुत रोष है। को लगना था उस समय पता लगा कि कैंसिल हो गया,
फिर आज की जानकारी थी कि 2 तारीख को तो जो ये समाज कल्याण से जुड़े हुए हमारे इशू थे और ये राशन कार्ड से जुड़े हुए विषय थे तो उनके लिए आए थे बहुत ही से शिविर में, लेकिन यहाँ के पता लगा कि ये भी कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने का कारण जो बताया गया वो ये बताया कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उद्घाटन करने आना था और उनका कहीं और का प्रोग्राम लगा हुआ तो इसलिए कैंसिल हो गया है। तो ये जो हमारा एक सवाल है कि इसमें जो है क्या उनके हाथ से पेंशन लगनी थी? अरे अधिकारियों ने अपना काम करना था, आम जनता को उससे राहत मिलती है ना। कोरोना की 2 लहरों के बाद इतना लॉकडाउन हो गया, अब पता नहीं कब तीसरी लहर आ जाए, तीसरी लहर के बाद फिर लॉकडाउन लग जाए। तो जो आम जनमानस के जो छोटे छोटे काम है उनके लिए बहुत ही शिविर था, लेकिन केवल एक इसको राजनीतिक स्टैंड कहेंगे कि जब तक मैं आके उद्घाटन नहीं करूँगा तब तक किसी का कैंप नहीं लगेगा, मतलब कैंप लगेगा तो उसका श्रेय जो है केवल मुझे चाहिए। खबर नैनीताल से है जहां निगम के कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि अगर 12 सितंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो गढ़वाल मंडल देहरादून में और कुमाऊं मंडल मुख्यालय नैनीताल में फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जब धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि कोरोना काल में निगम में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को 10,000 रुपए का कोरोना भत्ता दिया जाए, साथ ही निगम में कार्यरत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के निगम को आर्थिक सहायता देने के साथ खनन आदि का ठेका भी निगम को दिया जाए। बता दें कि इस दौरान अपर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।